बारिश हो रही है तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखना ये हो रहा है यार, शर्म आनी चाहिए। तुम अपने देश का क्या हाल हो गया है यार, पाकिस्तान का। Hey guys, welcome back to our channel. तो हम आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, और इमरान खान की वीडियो, एशिया की खान की वीडियो है ये। हम लोगों ने मतलब देख रहा है कि यार रेवोल्यूशन की वो आ तो रही है, वो लहर जाग गई है लोगों में, कि मतलब लोग जो थे वो चुप रहते थे, लेकिन अब ये है कि वो बोलने लग गए हैं और मतलब काफी बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कि पीटीआई वर्कर्स को। बाकी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आईजी साहब आपकी बात और पुलिस दौड़ लगा रही है। मुख्तलिफ शहरों पर 3,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। आपका बेटा हार नहीं मान रहा, सारी कोशिशें करके देख ली। अरे यार, इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी मामूलात जिंदगी बहाल नहीं हो सकी। मोबाइल फोन सर्विस बंद है, शाहराओं पर रुकावटें खड़ी हैं। फैजाबाद, मार्कला रोड, 9th Avenue और डी चौक बंद है। श्रीनगर हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे भी ट्रैफिक महदूद है। मुख्तलिफ शाहराओं पर 3,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। जलवा है हमारा। जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे, और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले, वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी। अच्छा रुको जरा, सबर करो। नकली की फोर्स भाग रही है, भाग रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुलिस भाग गई है, आईजी साहब आपकी बातों पर जोर लगा रही है। ओ भाई, लोग हाथों में उठा के फेंक कर रहे हैं वापस। ये है यार, लोग अपनी जान बर्बाद करते हुए सब कुछ। हाथ में डंडा पूरी तरह से भीगा हुआ है, वहाँ पाँव पे क्या हुआ है? चल मारे हैं उन्होंने, तोड़ डंडे पुलिस में। वो देखे इसके हालात, बच्चे के उसको शर लगा, उसको कोई किसी चीज का खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कह रहा मैं लड़ूं। देखना छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। देखना बुरा हाल है पाकिस्तान का, सीरियसली। बारिश हो रही है तब भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखना ये हो रहा है यार, शर्म आनी चाहिए। तुम अपने देश का क्या हाल हो गया है यार, पाकिस्तान का। शौकत खानम आपका बेटा हार नहीं मान रहा, सारी कोशिशें करके देख ली, पूरे जग का जोर लगा लिया, एक एक पत्ता खेल दिया, अपने लेवल से नीचे चले गए बहुत बड़े बड़े लोग, हार ही नहीं मान रहा। इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैरान है, उनको जेल में डालने वाले हैरान है, हर बंदा परेशान है कि इसको हो क्या गया भाई। हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा आदमी होगा, सीरियस। हमने इसको गोश्त पोस्ट का इंसान समझा था, ये स्टील के नर्व्स वाला आदमी है। हमने बदतरीन इसको जेल के अंदर रखा है। जरदारी साहब कोठियों में रहते थे, नवाशी साहब एंजॉय करते थे, उनकी जेलें जेलें ही नहीं होती थी। साफियों ने किताबें लिखी हुई है, बताया हुआ है कि इनकी जेलें कैसी हैं।
लेकिन इमरान खान को बदतरीन जेल में रख के नहीं तोड़ पाया पूरा सिस्टम, और सिस्टम खुद हैरान है कि यार ये कैसा आदमी है जिसको हमने पकड़ लिया। मैं जब हवा था ना, तो एक बंदा मेरे पास आया, उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा जी जो जहां मुझे आपने रखा है ना, यहां आप इमरान खान को ला नहीं सकते, और जहां आपने इमरान खान को रखा हुआ है वहां जो आप उससे मांग रहे हैं वो आपको देगा नहीं। ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये इंकलाब आ रहा है। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े माफिया एक तरफ खड़े हो गए, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो गई। सही में तो डर जाओ, अभी भी नहीं डर रहे हो क्या? मैं डर गया तभी तो इमरान खान को जेल में रखा गया है, 100 से भी ज्यादा नहीं, तो 25 से लाइफ टाइम प्रिजन है। भाई साहब क्या वीडियो चल रहे हैं, सीरियसली लोगों का जज्बा और जुनून देखकर ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कि वो वाली मेरे को क्लिप बहुत अच्छी लगी जहाँ पे वो शेल फेंका गया, उन्होंने लिटरली ऐसे उठाया और ऐसे वापस फेंका गया, वापस फेंक दिया। वो बच्चे जिसके पैर पे दो शेल फेंके गए हैं वो चल भी नहीं पा रहा है, तो भी वो ऐसे लंगड़ा के भाग रहा है कि नहीं मैं तो मतलब करूंगा, सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ मर्जी हो जाए, आप लोगों को मारो पीटो चाहे कुछ मर्जी कर लो। मैं चाहती हूँ कि जो जोश भरा है ना लोगों में वो खत्म ना हो, वैसा ही रहे, वो बढ़े ताकि और ज्यादा सपोर्ट करे कि मतलब ताकि जो इमरान खान है वो बाहर आए। और ये सही बात है कि अगर लोग अपने लिए नहीं उठेंगे तो कोई भी नहीं उठने वाला, लोगों को यही महंगाई फेस करनी पड़ेगी। अगर 1000 रुपए 1200 रुपए उनको वैसी महंगाई में सब्जियां और दालें खरीदनी पड़ेगी, और जो कि आम बंदा नहीं कर सकता यार। और तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।